नमस्कार जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ में स्कूल के बच्चे हैं, जो कि अभी आपको हमने बताया था पिछले वीडियो के अंदर, जो कि रोड को जाम कर रखा है गांव पड़ोदास के अंदर। और स्कूली बच्चों की मांग है कि हमारी जो इनकी जो स्कूल है इसको बारहवीं तक करें, और इनको जो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इससे पहले, यानी कि जब ये आठवीं पढ़ने के बाद जब बारहवीं में जाते हैं तो इनको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है गांव के अंदर। अक्सर जो आप लोगों को इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, बच्चों की जो परेशानी है उसको आपको समझना है। अभी हमारे साथ में जी, आपका शुभ नाम क्या है? पूजा कंवर। पूजा कंवर, पूजा जी आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को, कि आप जब आठवीं पढ़ने के बाद, जब आपके आगे के जो स्टूडेंट है आठवीं पढ़ने के बाद जब सोडार या कहीं आसपास की जगह में जाते हैं, जैसा कि बच्चे बता रहे थे, कहाँ जाते हैं आप? सोडारी पढ़ने के लिए गढ़वालों खेड़ा इतनी दूर जाते हैं, 4-5 किलोमीटर हमारी स्कूल पड़ती है। हमें वहाँ आने जाने में बहुत सारी परेशानियाँ होती है और हमें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपसे, सरकार से निवेदन है कि हमारे गाँव में स्कूल को कर्मोन्नत किया जाए। इसीलिए जो आज आपने जो रोड को जाम कर रखा है सब बच्चों ने और सब मिलके, हम सब ने ये हड़ताल लगा रखी है, और जब तक स्कूल कर्मोन्नत नहीं होगी तब तक हम सब यहीं पर हड़ताल लगा कर बैठे रहेंगे। अच्छा, और आप जब आपका जो स्कूल है गढ़वालों खेड़ा और सोडार, तो आपको वहाँ जाने में क्या क्या परेशानी आती है? सोडार जाने में बीच में तालाब आता है और बीच में नदी पहाड़ कहीं भी तरह का पानी वानी भरा रहता है, उनमें से बच्चे गिर भी सकते हैं, उनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए सरकार से निवेदन है कि हमारे गाँव में भी स्कूल को कर्मोन्नत किया जाए। और गढ़वालों खेड़ा में जाने में हमें बहुत सारी परेशानियाँ होती है, इतनी दूर हमें जाना पड़ता है, 3-4 किलोमीटर वो स्कूल पड़ती है। इसलिए सरकार से निवेदन है हमारे स्कूल को भी कर्मोन्नत किया जाए। इतना बड़ा गांव है, यहाँ की आबादी भी बहुत अधिक संख्या में है। आपका जो अभी जो आपके गांव से कितने बच्चे जो कि सोडार या गढ़वालों खेड़ा में पढ़ने के लिए, लगभग कम से कम 70-80 बच्चे यहाँ से दूसरे गाँव में पढ़ने के लिए जाते हैं। 70-80 बच्चे हैं, जिसमें से लड़कियां ज़्यादा होगी, लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा, लड़कियों की संख्या अधिक है, तो बहुत ही ज़्यादा समस्या रहती है लड़कियों को जाने में, और इतनी भीषण गर्मी के अंदर भी परेशानी रहती है, और पैदल जाना, और बारिश के मौसम में तो सड़कें वगैरह तो ऐसी कुछ है भी नहीं, बिल्कुल पगडंडी वाले रास्ते हैं, उसमें पूरा कीचड़ रहता है, ये हमने खुद ने देखा है। और आप लोग भी अगर गाँव से हैं तो आप लोगों को पता होगा, अभी हम आपको बता रहे हैं गाँव पड़ोदास से, जो कि यहाँ पे बच्चों ने पूरी फुल हड़ताल कर रखी है, और इनकी मांगे हैं कि इनकी जो स्कूल है इसको 8वीं से लेके 12वीं तक करवाई जाए। और क्या क्या परेशानी आती है हमारे दर्शकों को बताइए, और क्या आप कहना चाहते हैं प्रशासन से? हमारा बस इतना ही कहना है कि हमारी स्कूल को कर्मोन्नत किया जाए, वरना हम ये हड़ताल नहीं छोड़ेंगे, और ये हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी। 2 दिन हो गए ये हड़ताल ऐसे ही चल रही है। तो कल जो भी साहब लोग आए थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये बोला कि आगे करवा दी जाएगी, लेकिन अगले 3 सालों से हमारी यही बात चल रही है कि आगे फाइल जाती है और आगे दर्ज होती ही नहीं, और नहीं है स्कूल आगे बढ़ती है। उससे पहले भी 3 साल हो गए इनको, जो ये आगे से आगे जो संदेश पहुंचा रहे हैं, आगे से आगे स्कूल को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो ये जो इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, इसी को लेके जो कि आज यहाँ पे बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन है, बहुत भारी हड़ताल शुरू है यहाँ पे। बच्चे जो कि सुबह सात बजे से यहाँ पे उठ के आ रहे हैं, और सुबह तैयार होकर यहीं पर रोड पर बैठ रहे हैं, और हमने देखा कि स्कूल के भी ताला लगा हुआ है, और स्कूल 2 दिन से बंद है, स्कूल भी 2 दिन से बंद है यहाँ का। और आसपास के जो लोग हैं, ये रोड है सरेरी से आसिंद वाला रोड है, इस रोड को इन्होंने जाम कर रखा है, और पूरी तरीके से हमारे कैमरा पर्सन से बताऊंगा, पीछे देखिए रोड देखिए, जो कि देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा एक ट्रक, और इस साइड में भी देख सकते हैं आप, देख सकते हैं कि इस साइड में पूरी तरीके से जो रोड को जाम कर रखा है, लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और रोड के ऊपर जो भी आ रहे हैं वो सब, और यहाँ देख सकते हैं आप स्कूल को पूरी तरीके से जो कि लॉक कर रखा है, और स्कूल के अंदर भी कोई भी नहीं है अभी, स्कूल के अंदर आप देख सकते हैं स्कूल पूरी तरीके से जो खाली है, और यहाँ पे नाश्ता जो कि सभी जो गांव के लोग हैं वो सभी यहाँ पे जो कि नाश्ते की व्यवस्था भी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे। अच्छा, आप लोग, आप कितने बजे आए यहाँ पे? हम सुबह सात बजे से। अच्छा, आप घर से कुछ खाना वाना खा के आते हो? कुछ नहीं खा के आते। फिर आपको यहाँ पे कितने बजे कुछ खाना वगैरह मिलता है, या सुबह में, या 10-11 बजे के आसपास हमें यहाँ पे नाश्ता जो कि स्कूल की तरफ से है या गांव वालों की तरफ से जो कि नाश्ता है, और स्कूल को तो इन्होंने बंद कर रखा है, और पढ़ाई भी नहीं है लगातार, इनकी वजह से हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है, तो सरकार से ही निवेदन है कि जल्द से जल्द इस स्कूल को 12वीं तक करें और आगे बढ़ाएं, और ताकि इन बच्चों का उज्जवल भविष्य और बने। धन्यवाद सर, आप सभी बने रहें हमारे साथ और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और प्रशासन से भी ये निवेदन है, देख सकते हो इन बच्चों के नारे देखिए।
तस्वीरें आपको गांव पटोदा से दिखाई जा रही हैं। यहां पे स्कूल को प्रमाणित करवाने के लिए बच्चों की लगातार जो कि हड़तालें हैं, बच्चों के लगातार नारे हैं कि स्कूल को 12वीं तक करवाया जाए। देख सकते हो बच्चों में इतना उत्साह है और इतना जोश है कि ये स्कूल को प्रशासन से यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी स्कूल को जो 8वीं तक है उसे 12वीं तक करवाई जाए बहुत जल्द से जल्द। ये बड़ी तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं गांव पटोदा से।